बोलिए आंटी। तो उन्होंने बोला कि यानी ऐसे ऐसे सर जो है ऐसे श्री माता जी का आदिशक्ति का अवतरण है वगैरह पता नहीं, लेकिन हर सेंटेंस उनका एकदम सही लग रहा था, विश्वास हो रहा था एकदम। और मैंने बोला कि नहीं हमें रियलाइजेशन लेना है करके। फिर जैसे उसके पहले मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपकी डिजीज की जो ये है ना क्या कहते हैं कंडीशन एकदम एक्यूट है और आपको तो रोज यानी कंटिन्यूस 25 इंजेक्शन तो लेने ही पड़ेंगे रोज रोज एक रोज एक करके 25 इंजेक्शन लेने आँख में। फिर बीच में एक दिन में ये हुआ ना जैसे जब डॉक्टर ने बोला है कि एक्यूट कंडीशन है और ऐसे ऐसे करना पड़ेगा तो उन्होंने दूसरे दिन हमें रियलाइजेशन मिला। रियलाइजेशन के बाद एक दो दिन के बाद ऐसे पता नहीं लेकिन मुझे बहुत ही जबरदस्त बुखार हुआ कि यानी कंटिन्यूस 2.5 बुखार होता था और पूरे शरीर में पूरा लाल लाल पित्त के जैसे हुआ। फिर हमें समझ नहीं आया क्या हो रहा है करके हम डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर बनते कि आपको वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, अंदर से कुछ भी खराबी नहीं लग रही है, लेकिन हम दवाई देखते हैं करके। लेकिन उन्होंने अंदाजे से दवाई दी लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो बुखार कंटिन्यूस 4 दिन रहा और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो बुखार ख़त्म हो गया। और फिर जब हम वहाँ पे गए क्या कहते हैं हमें लगा जब आप डॉक्टर ने बोला था कि आपको तो रोज इंजेक्शन लेने पड़ेंगे और हम तो गए ही नहीं 4 दिन बुखार के कारण। लेकिन जब 5वें दिन डॉक्टर के पास गए थे वो डॉक्टर खुद अवाक हो गए कि कहते आपका डिजीज तो गायब है ऐसे कैसे, और हमें भी पता नहीं कि सहयोग में डिजीज ठीक होता है इसलिए हम आए नहीं थे, हमें श्री माता जी का अवतरण आदिशक्ति अवतरण है ये सोच के और हमें अच्छा लगा इसलिए हम आए थे सहयोग में, और तब ये हमें पता भी नहीं था कि इसमें कुछ फिजिकल क्योर है करके। और जब हम डॉक्टर के पास गए तो हमें क्या लगा कि आँख की कंडीशन बहुत ही खराब है इसलिए हम ये टाल रहे करते। फिर हम एम्स में गए, एम्स में ने भी बोला कि आपको कुछ भी नहीं आपकी आंखें, और मेरी नज़र अभी तब ये थी यानी जैसे क्लियर थी एकदम। और फिर हम प्रेसिडेंट्स के डॉक्टर के पास भी गए, मैंने हमने ऐसे 5 आई स्पेशलिस्ट को दिखाया और उन्होंने बोला ये तो भयानक डिजीज है, वो आप शुक्र मानो कि आपको कुछ भी नहीं है करके। तो हम एक साल बहुत मज़े में रहे असल में। फिर मैंने उसके पहले भी मैं कार चलाती थी, उसके बाद भी मैंने कार चलाई एक साल। और उसके बाद हाँ हुआ क्या कि जिस दिन डॉक्टर से मिल के आया ना उसके दूसरे दिन अचानक हमें पता चला कि श्री माता जी नागपुर से लंदन जा रही है वाया दिल्ली। तो मैं जब उन्होंने विजिट साहब भी मुझे लेने के लिए आए और उन्होंने श्री माता जी से मिलवाया तो माने ही मुझे बोला कि आपने कुछ गुरु वगैरह करे है क्या, तो मैंने बोला मैंने तो नहीं किए। फिर कहती है कि पेरेंट्स ने करे, मैंने कहा जी श्री माता जी, कहती उन्हीं का असर है अगुरु का असर है करके। और जैसे जब उन्होंने बोला और श्री माता जी ने बढ़िया आँखें करके देखा और आँख बंद कर दी, और उसके बाद की ये बात है कि जब मैं फिर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर कहते कि डिजीज खत्म है करके। और उसके बाद मैं पूरी एक साल अच्छी थी, मैं उसके बाद मैंने पूरी दिल्ली में कार भी चलाई है। और क्या हुआ कि जैसे सहयोग पता चला था ऐसे लगा कि अब सब रिलेटिव्स को बताना चाहिए, जैसे रिलेटिव्स को बताना चाहिए ये सोच के जैसे हम मेरे मायके वगैरह गए तो फिर धीरे 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 फिर ये आँख खराब होने लग गई, समझ नहीं आए क्या है करके। अगर फिर पता चला कि असल में वो पकड़ फिर आ गई दोबारा, लेकिन अब ये पकड़ कैसे निकाले, कह रहे क्या करना है, मेडिटेशन करना है यानी क्या करना है। तो ये श्री माता जी हर बार जब भी दिल्ली आती थी तो मुझे माने गाइड किया हर बार कि अब आप ऐसे करिए, आप कैंडल ट्रीटमेंट लीजिए, आप सूरज की तरफ पीट करके खड़े रहिए, अब आप सूरज का रिफ्लेक्शन लीजिए करते करते 86 में मेरा डिजीज कंप्लीट क्योर हुआ सहजोग केस से। लेकिन उसमें हुआ क्या कि डिजीज यानी भयानक होने के कारण और उसका अटैक आते आते नसें वीक हो गई, लेकिन मुझे उस 86 के बाद आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं। अब पूरी जिंदगी तो श्री माता जी ने सवारी, बच्चे इतने छोटे थे कि बड़ा बेटा 7 साल का, छोटा बेटा 1.5 साल का, लेकिन उनकी पढ़ाई, उनकी मैरिज और उनका जो भी जैसे केयर जो माँ ले सकती है केयर वो तो मैं कुछ भी नहीं ले पाई, लेकिन जो भी संभाला श्री माता जी ने संभाला, उनकी ज़िंदगी भी श्री माता जी ने संभाली, मेरी भी हमारी पूरे घर का, हम तो क्या 4 लोग ही घर में थे, तो कभी जब तक कोई अगर घर में नहीं है तो कभी घर की रिंग भी यानी बेल भी नहीं हुई, कोई आया नहीं दरवाजे पर, तो ये किसने किया ना, माँ ने प्रोटेक्शन दिया मुझे।
क्योंकि हम दिल्ली में हम अकेले रहते थे वहाँ पे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी नहीं। अगर पीछे मुड़ के देखो तो